नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे आप जातीय आवासीय आय डाउनलोड कर पाएंगे फोटो वाला। जैसे ये आप देख सकते हैं, ये जो सर्टिफिकेट है फोटो वाला इशू किया गया है, कैसे इसे डाउनलोड करना है पूरे स्टेप हम बताएंगे। वीडियो को कंप्लीट देखते रहिए। वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कर दे, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले इस तरह का अपडेट पाने के लिए। इसके लिए करेंगे कि आपके मोबाइल में जो भी ब्राउजर है उसे ओपन करेंगे। गूगल में आपको सर्च करना है RTPS लिखकर। जैसे ही सर्च करेंगे आपके सामने RTPS का साइट खुल के आएगा। आपको करना क्या है, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है। आपको इस वाले साइट पे आना, service.online.bihar.gov.in वाले जो साइट है इस पे आना है। इस साइट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे साइट ओपन होगा। ओपन होने के बाद सबसे पहले यहाँ आप 3 डॉट या एरो मिलेगा, इस पे क्लिक करके सबसे पहले इसे डेस्कटॉप मोड कर ले। उसके बाद यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन है, आप चाहे तो यहाँ से लॉगिन करके भी आप देख सकते हैं। देखिए, आपने जब आवेदन किया था हो सकता है आपने लॉगिन करके ही अप्लाई किया होगा। अगर बिना लॉगिन करके आपने अप्लाई किया था तो उस पर हमने पार्टिकुलर वीडियो दिए हुए हैं कि उसे कैसे डाउनलोड करना है। अगर आपने लॉगिन करके किया है तो सबसे पहले प्रोसीड टू लॉगिन वाले पे क्लिक करें। उसके बाद जो भी आईडी पासवर्ड है वो आईडी पासवर्ड डालें। उसके बाद ये जो कैप्चा आपको दिख रहा है, कैप्चा यहाँ पे डालें। डालने के बाद यहाँ पे आपको लॉगिन का ऑप्शन है, आप लॉगिन वाले पे क्लिक करें। जैसे लॉगिन पे क्लिक करते हैं साइट लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होने के बाद आपको करना क्या है, यहीं पे एक ऑप्शन मिलता है आपको व्यू स्टेटस फॉर एप्लीकेशन। आपको करना क्या है, इस वाले पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपको फर्स्ट में एक ऑप्शन मिल जाता है ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस। आपको करना क्या है, उस वाले पे क्लिक कर देना। जैसे ही आप क्लिक करेंगे सबसे पहले आप करें क्या, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको गेट डाटा वाले पे क्लिक कर देना। देखिए, हमने पर्टिकुलर वीडियो दिए हुए हैं कि फोटो वाला जाते आवास या कैसे आपको बनाना है। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे। नहीं तो आप करें क्या, जैसे ही चैनल को लोगो पे क्लिक करेंगे आपको प्लेलिस्ट का सेक्शन मिलेगा। उस प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में एक पर्टिकुलर प्लेलिस्ट हमने तैयार किया है जाति आवास या कैसे बनाए। उस वाले प्लेलिस्ट में आप जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। लगभग 15 वीडियो होगा, उसमें हमने जाति आवास या कैसे अप्लाई किया जाता है पर्टिकुलर अलग अलग पार्टों में हमने बताया। जाति कैसे अप्लाई करना है, आवासीय कैसे करना है, आय कैसे करना है, AWS सर्टिफिकेट कैसे करना है, उसका स्टेटस कैसे चेक करना है, जाते आवासीय आय डाउनलोड कैसे करना है, बहुत सारे वीडियो है। उस वाले लिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं। यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले आप करें क्या, आपने किस डेट को अप्लाई किया था। अगर वो डेट याद है तो आप यहाँ से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं तो आप करें क्या, जो भी आपको रिसीविंग होगा, रिसीविंग पे आपका आवेदन संख्या मिल जाता है। आप करें क्या, इसे सिंपली कॉपी कर ले। कॉपी करने के बाद ऊपर के साइड में एक आपको ऑप्शन मिल जाता है सर्च का। सर्च वाले में आकर और जो भी आपका एप्लीकेशन नंबर है उसे यहाँ पे डालकर पेस्ट कर दे। पेस्ट करने के बाद आपका जो सर्टिफिकेट है यहाँ पे दिखाया जाएगा कि आपका सर्टिफिकेट जो है वो बन के रेडी है। आप चाहे तो इसे डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए आपको आसानी से करना क्या है, यहाँ डिलीवर्ड वाले पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद थोड़ा सा आपको वेट करना है। वेट करने के बाद यहाँ पे आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद यहीं पे आपको देखने को मिल जाता है रेसिडेंटल सर्टिफिकेट। आप करें क्या, उस वाले पे क्लिक कर दे। जैसे ही क्लिक करेंगे आपका सर्टिफिकेट जो है डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद आप करें क्या, यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा तो यहाँ पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपका सर्टिफिकेट जो है इस प्रकार दिखाया जाएगा। और देख लीजिए, सर्टिफिकेट में जो है आपका फोटो के साथ जो है ये सर्टिफिकेट इशू किया गया है बिहार सरकार द्वारा। तो इस प्रकार आप आसानी से जो है अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड भी कर सकते हैं। कैसे अप्लाई करना है उस वीडियो का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में या आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। आप जाकर देखिए या प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाकर आप देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लें।